नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुकेश ऋषि के सभी फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों बस आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1993 में मुकेश जी की पहली मूवी आई परंपरा, और भाई साहब ये वाली मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है गर्दिश। दोस्तों इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रुपया था, इंडिया में इसकी कमाई 7 करोड़ की हुई और भाई साहब ये वाली मूवी हिट रही। 1995 में मुकेश जी की मूवी आई सुरक्षा। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रुपया था, इंडिया में इसकी कमाई 5 करोड़ की हुई और ये वाली मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आई बाजी और ये वाली मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद की मूवी आती है संजय और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है रामशस्त्र और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। 1996 में मुकेश जी की मूवी आती है शस्त्र और ये वाली मूवी एवरेज रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है साजन चले ससुराल। दोस्तों इस मूवी का बजट 4,30,00,000 रुपया था, इंडिया में इसकी कमाई 23,61,00,000 की हुई और ये वाली मूवी ब्लॉकबस्टर रहती है। वैसे दोस्तों अगर आपने इस मूवी को देखा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स बताइए। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है भीष्मा और ये वाली मूवी एवरेज रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है लोफर और ये वाली मूवी सेमी हिट रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है सपूत और ये वाली मूवी एवरेज रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है घातक। दोस्तों इस मूवी का बजट 6,20,00,000 रुपया था, इंडिया में इसकी कमाई 27 करोड़ की हुई और ये वाली मूवी सुपर हिट रहती है। दोस्तों इस मूवी में मुकेश जी ने काफी अच्छा कैरेक्टर निभाया था, अगर आपने इस मूवी को देखा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है राम और श्याम और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। 1997 में इनकी मूवी आती है कालिया, भाई साहब ये वाली मूवी एवरेज रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है मृत्युदाता और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है जुड़वा। इस मूवी का बजट 6 करोड़ रुपया था, इंडिया में इसकी कमाई 18 करोड़ की हुई और भाई साहब ये वाली मूवी सुपर हिट रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है जियो शान से और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है गुप्त और ये वाली मूवी हिट रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है लहू के दो रंग और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। 1998 में मुकेश जी की मूवी आती है हत्यारा और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है गुंडा और ये वाली मूवी एवरेज हो जाती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है विनाशक और ये वाली मूवी एवरेज रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है हमसे बढ़कर कौन और भाई साहब ये वाली मूवी एवरेज रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है इसकी टोपी उसके ऊपर और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है जुल्मो सितम और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है बंधन और ये वाली मूवी हिट रहती है। वैसे दोस्तों ये वाली मूवी काफी अच्छी मूवी थी। 1999 मुकेश जी की मूवी आई न्यायदाता और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है गंगा की कसम और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है लाल बादशाह और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है तबाही और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है आरजू और ये वाली मूवी भी फ्लॉप रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है लौह पुरुष और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है सरफरोश और ये वाली मूवी हिट रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है सूर्यवंशम और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है कोहराम और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है अर्जुन पंडित और ये वाली मूवी एवरेज रहती है। वैसे दोस्तों ये वाली मूवी काफी अच्छी मूवी थी, अगर आपने इसको देखा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स बताइए। साल 2000 में मुकेश जी की मूवी आती है सुल्तान और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है पुकार और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है कुर्बानियां और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है हमारा दिल आपके पास है और ये वाली मूवी हिट रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है कुरुक्षेत्र और ये वाली मूवी एवरेज रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है खिलाड़ी 420, ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है ज्वालामुखी और भाई साहब ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी में इनका कैरेक्टर काफी अच्छा था, अगर आपने इसको देखा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 2001 में मुकेश जी की मूवी आती है आशिक और ये वाली मूवी एवरेज रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है जोड़ी नंबर 1 और ये वाली मूवी
हिट रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है इंडियन और ये वाली मूवी भी हिट रहती है। वैसे ये वाली मूवी भी काफी अच्छी मूवी थी। 2002 में मुकेश जी की मूवी आती है तुमको ना भूल पाएंगे और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। बाद इनकी मूवी आती है ये कैसी मोहब्बत और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है हम किसी से कम नहीं और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है मसीहा और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। 2003 में इनकी मूवी आती है दम और ये वाली मूवी हिट रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है इंडियन बाबू और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है ओम और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है जाल और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है कोई मिल गया। दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 82 करोड़ 53 लाख की हुई और ये वाली मूवी सुपरहिट रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है दिल परदेसी हो गया और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। 2004 में इनकी मूवी आती है रन और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है गर्भ, भाई साहब ये वाली मूवी एवरेज रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है असंभव और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। 2005 में मुकेश जी की मूवी आती है ब्लैकमेल और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। 2006 में इनकी मूवी आती है तीसरी आंख और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है लेडीज ट्रेलर और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। इसके बाद मुकेश जी की मूवी आती है जहां जाएगा हमें पाएगा और ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद की मूवी आती है नहले पे दहला और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। 2008 में मुकेश जी की मूवी आती है क्रेजी फोर और भाई साहब ये वाली मूवी एवरेज रहती है। 2009 में मुकेश जी की मूवी आती है रफ्तार और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। 2010 में इनकी मूवी आती है लाहौर और भाई साहब ये वाली मूवी फ्लॉप रहती है। 2010 में इनकी मूवी आती है खुदा कसम और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। 2012 में मुकेश जी की मूवी आती है खिलाड़ी 786 और ये वाली मूवी एवरेज रहती है। 2013 में मुकेश जी की मूवी आती है राजधानी एक्सप्रेस और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है मांझी और ये वाली मूवी भी डिजास्टर रहती है। 2015 में मुकेश जी की मूवी आती है हम तुम दुश्मन दुश्मन और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। 2017 में इनकी मूवी आती है रक्तधारा और ये वाली मूवी डिजास्टर रहती है। 2020 में मुकेश जी की मूवी आई गुलमकई और ये वाली मूवी डिजास्टर रही। 2022 में मुकेश जी की मूवी आई बिफोर यू डाइट और ये वाली मूवी डिजास्टर रही। तो दोस्तों यह था मुकेश जी का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्म देखी है जल्दी से कॉमेंट बॉक्स बताइए। इसके अलावा आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किसके ऊपर चाहिए, ये भी जल्दी से कॉमेंट बॉक्स बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।